नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, बस आप लहसुन की दो कलियों का यह एक छोटा सा उपाय करके घमंडी से घमंडी स्त्री को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। दोस्तों, जो स्त्री आपकी तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखती, जो स्त्री आपको अपने प्यार का इजहार नहीं करती, आप उसे बहुत मोहब्बत करते हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन वो आपको भाव नहीं दे रही, वो आपको अपना प्यार नहीं दिखा रही, तो बस आप यह छोटा सा एक उपाय कर लें, वो आपको पाने के लिए तड़पने लगेगी। आपकी मोहब्बत में ऐसी दीवानियत उसके दिमाग में छा जाएगी कि वो चाहे सात समंदर पार भी क्यों ना बैठी हो, आपको पाने के लिए तड़पने लगेगी। उपाय क्या है, आपने इसके लिए क्या करना है, जानने के लिए ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण और पूजनीय शास्त्र हैं। इनके द्वारा बताए गए उपाय आपके जीवन को सजने और संवारने में मदद करते हैं। जो भी छोटी छोटी घर में गलतियाँ होती हैं, वास्तु और ज्योतिष के अनुसार इन्हें ठीक किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य जी वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप कहते हैं कि आप इनके द्वारा बताई गई जो भी सकारात्मकता शक्तियां हैं, जो भी उपाय हैं, उन्हें अपने घर में अजमाकर अपने घर को शैतानी ताकतों से महफूज रख सकते हैं। जो भी शैतानी ताकतें हैं, जो भी आपके घर में अनहोनियां हो रही हैं, उन्हें अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने साथी की मोहब्बत पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने एक सुई लेनी है और इस सुई के अंदर दो लहसुन की कली टांग देनी है, यानी कि सुई लहसुन की कली के अंदर से निकालकर उस स्त्री का सात बार नाम बोलना है जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्णा से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, मैं सच्चे मन से सच्ची इच्छा से अपने साथी की मोहब्बत पाना चाहते हैं। दोस्तों, जो भी भगवान श्री कृष्णा के सच्चे भक्त हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिख दें। अच्छे और सच्चे कर्म करने वालों का साथ ईश्वर हमेशा देता, और आप अगर ईश्वर का साथ लेना चाहते हैं तो आप अपनी नीयत में खोट निकाल दें। अगर आप सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, गंदी नीयत से और भोगने की लालसा से किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपकी मोहब्बत आपको नहीं मिल पाएगी, इस बात का ध्यान रखना। अच्छे कर्मों का फल आपको अच्छा ही मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, एक बात और, इस उपाय को करने के बाद ये उपाय आपके मोहब्बत को दिलाने में आपकी मदद करेगा। आप चुपचाप शाम के समय इस उपाय को कर लें, आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा।